हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नई सीरीज़ ला चुके हैं। और अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्लेलिस्ट में हमने आपको बताया कि हम ब्लॉगर सेंडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कुछ लोग जो है उन्हें नहीं पता चल रहा है अर्निंग वाला जो टैब है ब्लॉगर में, उससे उन्हें दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों की जो है अर्निंग स्टार्ट ही नहीं हो रही, वहाँ पे लिख रहे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ब्लॉगर के लिए, ठीक है। और कुछ में लिख कर आ रहा है कि आपको साइनअप करना होगा एडसेंस से, ठीक है। और कुछ का जो है साइनअप पहले से ही होगा एडसेंस पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें एडसेंस के बारे में भी नहीं पता है और वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो ब्लॉगर पे भी नए नए आए हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको अपना एक जो मैंने नया नया ब्लॉग बनाया है, सिर्फ उस पर मैंने जो है एक पोस्ट लिखी है, वो भी सिर्फ एक व्यूज़ आया, क्योंकि मैंने इसे पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ अर्निंग वाला टैब। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, एडसेंस इज अ फ्री सिंपल वे टू अर्न मनी बाय प्लेसिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट, लर्न हाउ टू बिकम एलिजिबल टू यूज़ इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो है ये लिख कर रहा है, योर ब्लॉग डज नॉट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस। तो फ्रेंड्स, ये उन लोगों का आ रहा होगा जिनकी जो है अभी तक ज़्यादा पोस्ट नहीं होगी और उन पर विजिट्स भी नहीं आया होंगी, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा। मगर फ्रेंड्स, ये कुछ उन लोगों में भी हो जाता है जो पोस्ट तो ज़्यादा लिखते हैं मगर उन पर विजिट्स नहीं आती। तो दो केसेस में ऐसा होता है, एक तो आपके ऊपर एड्स नहीं है, विजिट्स नहीं है, और दूसरा केस है कि आप पर पोस्ट नहीं डाली। अगर फ्रेंड्स आप सिर्फ एक पोस्ट डालेंगे, ठीक है ना, तो तब भी आपका जो है विजिट्स आपकी चाहे 1000 2000 हो, तब भी आपका ये वाला टैब जो होगा ऐसा ही होगा। कुछ लोगों का ये 3-4 दिन में अपने आप ही हो जाता है क्वालिफाई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए था जो अभी अभी नए आए हैं ब्लॉग पर और वो नहीं जानते हैं कि ये अर्निंग कैसे होगी। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको अर्निंग करनी है तो फ्रेंड्स आपको कम से कम 30 पोस्ट लिखनी होगी अच्छी वाली अप्रूवल के लिए। अगर आप सिंपली अप्रूव करते हैं सिर्फ 4-5 पोस्ट लिखकर, तब आप अप्रूव नहीं होंगे। मैं आपको अपना वो वाला भी ब्लॉग दिखाऊंगा जो डिसअप्रूव हो गया जबकि उस पर 1400 विजिट्स है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सब कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है मेरा वो ब्लॉग है जो मैंने अभी नया नया बनाया है। अब मैं आपको अपना वो ब्लॉग दिखाता हूँ जिस पर फ्रेंड्स अर्निंग टैब में लिख कर आ रहा है कि हम जो है एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। देखिए, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा साइन अप फॉर एडसेंस। तो इसके लिए मैंने पहली वाली वीडियो ही थी उसमें ही बता दिया था, एडसेंस का अकाउंट जो है रिक्वायर है अपना अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो एडसेंस अकाउंट अगर आपको बनाने नहीं आता है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए और मैं आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये उन लोगों का आ रहा होगा जिन्होंने पोस्ट लिखी होंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने सारी पोस्ट लिखी है, ये 11 पोस्ट है। मैं आपको दिखाऊँ विजिट्स कितनी है मेरी, ठीक है ना। देखिए, अच्छी खासी विजिट्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपका ऐसा लिख कर आ रहा होगी कि साइन अप फॉर एडसेंस। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अब जो है मैं एलिजिबल हूँ मगर मैंने अर्निंग के लिए नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, जब आप मेरा अगला टैब देखेंगे, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, और मैं आपको बताऊंगा भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना वाला अगला वाला ब्लॉग दिखाता हूँ। तो देखिए, इस पर जो है मैं कर चुका हूँ साइन अप एडसेंस के लिए, मगर फ्रेंड्स जब मैं अपना ब्लॉग खोलूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्रेंड, ये देखिए, मैं आपको वो
मेल भी दिखाता हूँ जिसमें आया था कि मैं अप्रूव नहीं हुआ हूँ, अप्रूव कर दिया गया गूगल से। ठीक है ना, मैं आपको अपना वो वाला ईमेल दिखाता हूँ, आपको अपनी विजिट दिखाता हूँ। ये देखिए 1408 विजिट्स, ठीक है, तब भी मुझे डिसअप्रूव किया गया। फ्रेंड्स, इसका रीज़न जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट देखिए, मेरी सिर्फ 4 पोस्ट है, मगर फ्रेंड्स ये सिर्फ इतनी कमी नहीं है मेरे ब्लॉग में, एक और कमी है, मैं आपको भी वो भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना जीमेल खोल रहा हूँ, अब आपको वो वाला मैसेज दिखाऊंगा जिसमें गूगल ने मेरे को पूछ रही है कि मैं डिसअप्रूव क्यों हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो वो ये देखिए, ये वाली पोस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर जो है मुझे डिसअप्रूव किया गया था, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। सॉरी फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, ये वाला नहीं था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो, एक मिनट देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आ गया है मेरे पास मैसेज जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग अ गूगल एडसेंस अकाउंट टू इम्प्लीमेंट एड कोड ऑन योर ओन वेबसाइट एंड फॉर चिल्ड्रन। आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, वी आर अनेबल टू अप्रूव दिस एप्लीकेशन फॉर द टाइम बींग। योर एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट दैट अलाउज यू टू शो एड्स एंड पार्टनर साइट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिसअप्रूवल। तो देखिए, मैं यहाँ पर डिसअप्रूव हो गया हूँ, ऐसा गूगल एडसेंस का कहना है। अब मैं क्यों हुआ हूँ ये देखिए, वी आर अनेबल टू अप्रूव योर गूगल एडसेंस एप्लीकेशन एट दिस टाइम बिकॉज योर साइट डज नॉट कम्प्लीफाई विद द गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी और अदर द वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरी उतनी अच्छी पोस्ट नहीं थी। अब ये देखिए, ये तीन चीज़ें हैं जिन्हें मेरे ब्लॉग में कमी है जिसकी। तो ये देखिए, ऑफर सिग्निफिकेंट वैल्यू एज अ पब्लिशर प्रोवाइड यूनिक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमें जो है किसी का कॉपी नहीं करना है और हमें नई चीज़ें खोज के लानी है, ठीक है। डोंट प्लेस एड्स ऑन ऑटो जनरेटेड पेजेस और पेजेस विद लिटल टू नो ओरिजिनल कॉन्टेंट, ठीक है ना। तो इस पर जो है डिसअप्रूव हुआ था मैं। योर साइट शुड ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड गुड यूजर एक्सपीरियंस थ्रू क्लियर नेविगेशन। तो यहाँ पर जो है, मैं आपको अपनी ब्लॉग दिखाता हूँ, वो कहना चाहते हैं कि मेरे पोस्ट के नीचे यहाँ पर नेविगेशन बटन होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना ये जिस ब्लॉग पे मेहनत कर रहा हूँ उस पर मैंने सब कर रखा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत काम की आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नीचे तक। ये देखिए, ये होती है नेविगेशन बटन। तो यही तीन कमी है, बाकी सब मेरे ब्लॉग में सही है। तो इन तीन कमियों को मैंने अपने इस ब्लॉग में सुधारा है, सॉरी फ्रेंड्स इसमें। तो अब जो है मुझे लगा कि ये प्रूफ क्लिक कर देगा, मगर फ्रेंड्स इसमें जो है 1-2 महीना और टाइम लगाऊंगा, ठीक है ना, ताकि अच्छी खासी पोस्ट बन जाए और मेरी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाए। वरना अगर एक बार और मैं डिसअप्रूव हो जाता हूँ, मैं 2 या 3 बार हो चुका हूँ, तो शायद गूगल एडसेंस अकाउंट बंद हो जाए। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मगर ऐसा होता नहीं है गूगल एडसेंस अकाउंट बंद हो जाए, मगर कुछ केसेस में हो भी जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी अर्निंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा अभी, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्लॉगर का इस्तेमाल करने में, तब आप हमें बताइए, हम इसके लिए सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है तो कम से कम आपको 30 पोस्ट लिखनी ही लिखनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कम से कम आप पे विजिट्स आने चाहिए। अगर आपको विजिट्स नहीं लाने आते, मैं रियल विजिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।
और बेल आइकन को भी दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।